तो देखिए, हाँ आपके पास ये पहला क्वेश्चन था, ये काफी आप समझ भी सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तीन फ्रेज आपको दे रखे हैं। पहला, बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज लेस देन बी। अब ये कैसे जज किया जाए कि ए पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है और जो बी पे बॉयंट फोर्स लग रहा है, उनमें कौन ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है कि बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला, या अब थ्रस्ट की बात करते हैं हम लोग, अगर एफ अप या बॉयंट फोर्स इसी को कहते हैं, तो इमर्ज्ड वॉल्यूम है ना, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में बॉडी फ्लोट कर रही है या जिस फ्लूइड में फ्लोट कर रही है, इनटू क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया। अब दोनों के दोनों ब्लॉक जो है सेम फ्लूइड में है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो ऑयल हो, कुछ भी हो, दोनों सेम फ्लूइड में है, मतलब ये मैटर नहीं करेगा। दोनों सेम प्लेनेट पे है, ग्रेविटी मैटर नहीं करेगी। इसका मतलब मैटर क्या करेगा बॉयंट फोर्स के लिए, इमर्ज्ड वॉल्यूम, किसका इमर्ज्ड वॉल्यूम ज्यादा है। एक बात और समझ सकते हैं कि अगर हम इसके बेस की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मान लीजिए ये ऐसे होता और ये इसके बेस की क्रॉस सेक्शन एरिया होती, तो हमने कहा था कि दोनों ब्लॉक जो है ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है। ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल होने का मतलब कि इनका बेस, लेंथ, विड्थ, हाइट सब सेम होगी। तो अगर हम लोग इमर्ज वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इमर्ज हाइट कर लें, हाइट इमर्ज कितना है, तो एफ अप क्या हो गया आपका, एफ अप रीमॉडिफाई हो गया आपका ए एच आई इमर्ज जो भी हाइट है, और रो इंटू ग्रेविटी। हमने कहा कि एरिया दोनों के लिए सेम है, ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल ब्लॉक्स है। उसके बाद रो सेम है, लिक्विड की डेंसिटी, जिस लिक्विड में ये फ्लोट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी है, ना कि ब्लॉक की डेंसिटी है। जी क्या हो गया, ग्रेविटी हो गई, जिस प्लेनेट पे है। इसका मतलब क्या मैटर करेगा, इमर्ज्ड हाइट, जिसकी इमर्ज्ड हाइट ज्यादा होगी उसे बॉयंट फोर्स ज्यादा पे किया जा रहा होगा लिक्विड के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जो बी की पूरी हाइट जो भी है वो पूरा लिक्विड में जा चुकी है, तो और इसके पास पार्सली गई है, तो हम कहेंगे यहाँ साफ दिख रहा है हमें कि जो एच बी है, हाइट जो इमर्ज है बी के लिए, या ऐसे लिख दे, जो इमर्ज हाइट है बी के लिए वो ज्यादा है इमर्ज हाइट ए से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ बी को पे किया जाएगा, एफ ऑफ मतलब बॉयंट फोर्स, वो बी को ज्यादा पे किया जाएगा लिक्विड के द्वारा, और जो एफ ऑफ है ए को कम पे किया जाएगा, क्योंकि उसकी कम हाइट इमर्ज है। तो बहुत सिंपल सा पार्ट था कि ए पार्ट आपका क्या था, करेक्ट है। तो इसका मतलब इसे ग्रीन सिग्नल मिल गया, करेक्ट है। अब रही बात डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बी, अब ये कैसे कंपेयर किया जाए, तो फिर से देखिए इस चीज को कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने इधर क्रॉप कर रखा है वैसे यहाँ पे, है ना। तो डेंसिटी कैसे कंपेयर किया जाए, हमने कहा कि इमर्ज्ड, ठीक है, जो एफ ऑफ है बी का ज्यादा है ना, एफ ऑफ बी को ज्यादा पे हो रहा है ए से, ठीक है। इसका मतलब, लेकिन ये चीज हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसे सोचो कि दोनों ही फ्लोट कर रहे हैं। अब दोनों ही फ्लोट कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो वेट है ए का, जो वेट है ना ए का, जो वेट है और जो बॉयंट फोर्स लिक्विड के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ए को, वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही फ्लोट कर रहे हैं, नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा, तो हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात, बी भी फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब बी को जो बॉयंट फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है लिक्विड के द्वारा, वो उसके वेट के इक्वल होगा। ये दो बातें तो हम लोग कह ही सकते हैं कि अगर दोनों कोई भी चीज फ्लोट कर रही है, तो जो उसका वेट है और जो उसका बॉयंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों डेटा को अगर हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर लें, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में, तो मुझे एटलीस्ट क्या पता चल जाएगा, उनके वेट में रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे रखें, तो हम लोग क्या दिख रहा है, हमारे पास WB ज्यादा हो गया WA से। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो FA है वहां पे ये रिप्लेस कर दिया इसको,
और जहां पे हमारा एफ बी था, यहाँ एफ बी था, तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू पी इसको रिप्लेस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि बी का वेट ज्यादा होगा ए के वेट से। लेकिन वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होती है, मास ऑफ ए इंटू ग्रेविटी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, मास ऑफ सॉरी इधर बी रहेगा ना, इधर मास ऑफ बी इंटू मास ऑफ ए इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी कोई मैटर नहीं करता, ग्रेविटी तो हट गया। अब मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दोनों तो ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका वॉल्यूम सेम होगा। इसका मतलब अब यहाँ इमर्ज वॉल्यूम तो देखना नहीं है, टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, जो भी दोनों ब्लॉक्स हैं सॉलिड्स हैं उनके टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, दोनों आइडेंटिकल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक बी ग्रेटर देन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। अब देखिए यहां से वॉल्यूम दोनों सेम था तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बी ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ ए से। और आपको क्या कह रखा है, सेकेंड वाले डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बी, बिल्कुल इसको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, ये भी सही बात है ना, तो ए भी सही हो गया बी भी सही हो गया। अब रही बात सी की, तो वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, देखिए इस वाले लाइन में है ना, यहां से सी वेरीफाई हो रहा है कि वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेट ऑफ ए, इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिकली सोचना चाहते हैं कि ये कैसे हम लोग जज कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये है ना, आप एक एक चीज करके आप देख सकते हो। खैर इसके लिए आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब डी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो में आपको क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो। इसकी बात हमने क्लास में काफी डिटेल तरीके से करी थी, फिर से हम लोग कर लेते हैं। हमने कहा सपोज ये अर्थ है, तो कुछ इस तरह से बना दिया जाए, और जो सैटेलाइट्स होंगी दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, इस तरह से कहीं रिवॉल्व कर रही होंगी। अब अगर ये रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट, तो मुझे पता है कि वो ग्रेविटी की तरफ सरफेस पे तो गिरती नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट्स हैं, इनके ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे तो ये सीधे ऐसे चले जाए, है ना, ये कभी यहाँ मतलब ये अगर ऐसे जा रही है, इस वेलोसिटी से जा रही है, तो ये कहीं यहां होना चाहिए था, लेकिन ग्रेविटी इसको खींच लेती है अर्थ की सेंटर की तरफ, तो उनकी लोकेशन एक्चुअल लोकेशन यहां होती है ना, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वो यहां पे होती, समझ लीजिए। तो ग्रेविटी की प्रेजेंस की वजह से ही ये हमेशा दे कंटिन्यूअस फॉल टुवर्ड द अर्थ, ये अर्थ की तरफ कंटिन्यूअसली फॉल करती रहती है, इसका मतलब दैट इज द केस ऑफ फ्री फॉल मोशन। ये जेई में पूछा जा चुका है, छोटी सी बात है, सोचिए नाइन्थ लेवल की है, लेकिन आईआईटी वालों ने कंसेप्चुअली पूछ लिया, कंसेप्चुअल पेपर। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन जो उस फोर्स की खासियत है वो क्या है, सेंटर तरफ लगता है, ये खासियत है कि फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। प्रॉब्लम क्या है कि सेंटर की तरफ, दैट मींस फोर्स अगर सेंटर की तरफ है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, लेकिन सेंटर से ना तो बॉडी अवे जा रही है ना तो टुवर्ड द सेंटर आ रही है, सेंटर और बॉडी के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस अगर यहां पे सेटेलाइट आ गई, ये डिस्टेंस फिक्स है, दैट इज द रेडियस ऑफ द जो भी जिस ऑर्बिट में वो घूम रही है। इसका मतलब कि अगर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स अगर अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हम लोग जानते क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क इनर्जी थ्योरम या फोर्स रेडियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो हम कहेंगे एस जीरो है रेडियल डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रहे, तो एस जीरो है, फोर्स कुछ भी हो सेंट्रीपिटल, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब चूंकि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है और सेंटर की तरफ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब कि जो वर्क हो गया डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो, ठीक है। तो ग्रेविटी जो वर्क कर रही है वो जीरो वर्क कर रही है। अब क्या ग्रेविटी को छोड़ के कोई और भी वर्क कर रहा है, वहां एटमॉस्फेयर तो है नहीं, अब एटमॉस्फेयर है नहीं तो सिर्फ सिंगल फोर्स वहां पे लग रहा है,
ग्रेविटी। और वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ रखी है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। लेकिन ऑल फोर्सेस की जगह पे यहाँ सिंगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम कहेंगे सिंगल फोर्स है और वो भी क्या है आपका जीरो है। यहाँ निकाला हम लोगों ने, इसका मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब भी सैटेलाइट अराउंड द सन घूमता है होता क्या है उस समय कि उसकी स्पीड नहीं चेंज होती है, वेलोसिटी तो चेंज होती है। यहाँ पे देखिए अगर सैटेलाइट यहाँ पे होती तो ये कहीं यहाँ होती, अगर यहाँ पे होती तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता, यहाँ पे होता इधर वेलोसिटी हो जाती। वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड नहीं चेंज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ये भी हमारे लिए सफिशियंट था कि काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं हो रही है डेल्टा के क्या है जीरो है, और डेल्टा के जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के होता है, इसका मतलब डब्ल्यू भी क्या होगा जीरो होगा। तो यहां से भी एक्सप्लेन हो रहा है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट इतने अच्छे तरीके से दिए गए आपको कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ग्रेविटी एंड सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्क जीरो होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट रीजन एज ए स्टेटमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू, हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस। और तीसरी बात क्या हो गई, तीसरा चीज क्या करते थे, बिकॉज लगा के ऐड करते हैं हम लोग, है ना, कि ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, वो भी है। अभी हमने बताया कि अगर नेटवर्क क्या हो, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चूंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो है ना, यही वजह है कि वर्क जीरो है, ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, है ना। इसी के बेसिस पे जो रीजन दिया गया है उसी के बेसिस पे आप वर्क जीरो बता पा रहे हो, मतलब इसका कौन सा हो जाएगा सही, इसका सही हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट ए या फिर असर्शक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें कंपेयर करना है, क्या चीज, कंपेयर द पावर। अब देखिए पावर हमें कंपेयर करना है, डेटा क्या दिया है, पावर हम लोग जानते क्या है, वर्क है ना, रेट ऑफ वर्क W by T होता है ना? तो पावर के कुछ लोगों को फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है तो वो हम लिख देते हैं P equals to W by T, ठीक है, और इसी से हम लोग डिराइव करते थे फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, F इंटू V भी होता है, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है ना वो आपके काम का हो सकता है। तो क्या कहा गया है, एफ इंटू बी, खैर यहां पे दिया गया कंपेयर द पावर एट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब एफ का काम कौन करने वाला है, वेट करने वाला है ना, वेट क्या लिख दे रहे हैं, W I G S T, वेट इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं पावर हम लोग निकाल लेंगे, पावर इक्वल्स टू, है ना, अब ये फॉर्मूला रीमॉडिफाई हो गया हमारे गिवन सिचुएशन के लिए कि पावर इक्वल्स टू वेट इनटू हम क्या लिख लेंगे, स्पीड लिख लेंगे, है ना, जो भी स्पीड होगी। अब बताइए बटरफ्लाई का अगर हमें बात करना है, ठीक है, बटरफ्लाई की बात करनी है तो बटरफ्लाई का आपका कैसे निकलेगा, बटरफ्लाई ए पार्ट के लिए अगर पावर हम निकालें तो पी, पहले पार्ट के लिए हम लोग पी वन बोल दे रहे हैं ना, तो बटरफ्लाई का वेट तो मास इनटू ग्रेविटी, और पी वन अपॉन पी टू बोल दे रहे हैं ना, पी वन अपॉन पी टू, ठीक है, तो बटरफ्लाई का वेट इनटू ग्रेविटी एम वन बोल दे रहे हैं, और वेलोसिटी बटरफ्लाई की तो वी वन बोल दे रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा मास ऑफ द स्क्वायरल इनटू
ग्रेविटी इनटू वेलोसिटी। अब क्या हमें यूनिट्स को चेंज करना जरूरी है? आंसर है नहीं, हम रेशियो निकाल रहे हैं, और अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो यूनिट तो कैंसिल ही होने वाली है। मास का यूनिट मास की यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटी का यूनिट ग्रेविटी से कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि यूनिट चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। क्या नुकसान है? वक्त जाएगा अपना, है ना। इसलिए जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे कि सेम क्वांटिटी है, दोनों ही पावर है, तो हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट में उलझने वाले नहीं, अपना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्रेविटी तो पहले उड़ा दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, और मास जितना दे रखा है वैल्यू रख दिया जाए। तो मास कितना है? 1 ग्राम है, इनटू स्पीड 0.5 है मीटर पर सेकेंड। खैर यूनिट से हमने कहा वैसे ही कट जाएगा, इसलिए हम यूनिट लिख नहीं रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी 0.5 दे रखा है। अब बताइए डेटा तो ऐसे ही कट गया, तो आंसर क्या आ गया? P1:P2 आ गया 1:250। ठीक है, तो दैट इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, कह रखा है कि कॉलम ए में कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है आपको, कॉलम बी उनके यूनिट्स हैं, है ना। अब वो स्टैंडर्ड है यानी इससे कोई मतलब तो है नहीं, उनके यूनिट्स हैं, किसी भी एसआई में हो, सीजीएस में हो, कमर्शियल यूनिट हो, जो भी हो, एक यूनिट दे रखी है आपको आइडेंटिफाई करना है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास होता है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, है ना, और मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो न्यूटन पर केजी, इसका मतलब ए किससे मैच कर जाएगा? ए जो है ये मैच कर जाएगा एस से। ठीक है, उसके बाद बी की बात आती है ना। बी क्या है? फोर्स है, और फोर्स देखिए डाइन सीजीएस यूनिट हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, एसआई यूनिट न्यूटन होती है, यही देखे हैं हम लोग। इसका मतलब फोर्स मैच करेगा आर से। सी क्या है? इनर्जी है। अब इनर्जी देखिए किलो वाट आर, दैट इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इनर्जी, और एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल होती है। तो ये कॉमर्शियल यूनिट पी से मैच करेगा अपने, ठीक है, और जाहिर सी बात है पावर जो है गीगावाट है ना। वाट एसआई यूनिट होती है, गीगावाट एसआई यूनिट नहीं है लेकिन पावर की यूनिट है। तो जैसा जी वहां छप गया, क्यू छपना चाहिए था, खैर जी ही लिख दे रहे हैं, तो डी वाला जी से मैच करेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने क्लास में करा रखा था, ठीक है, और अच्छे से बताया भी था। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, स्टेटमेंट लिखना है, उस पे मार्क्स है। सो दैट मैकेनिकल एनर्जी फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कंजर्व, ठीक है, ये अलग आपको वो प्रूफ करना है, डिराइव करना था जो कॉपी में आपके है। एंड एजम्पशंस क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए? तो जब भी हम अर्थ सरफेस पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराते हैं, हम ये मानते हैं देयर इज नो विस्कस फोर्स, मतलब कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, है ना, यहाँ वैक्यूम की तरह है। नहीं तो ये एयर फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी को नॉन मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे सोचिए कि कल्पना चावला जब इंटर कर रही थी एटमोस्फियर में, या कोई भी स्पेसशिप इंटर करती है एटमोस्फियर से अंदर आती है, एस्ट्रॉइड भी ऊपर से अंदर आ रही, स्पेस से अंदर आते हैं एटमोस्फियर में, तो एटमॉस्फियर उनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है? लॉस करा, मैकेनिकल एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी, हीट और लाइट साउंड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो जो ये एयर फ्रिक्शन है, जो आपको नहीं समझ में आता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, इसके इम्पैक्ट आप देख सकते हैं जो ये सारी कुछ जो इवेंट हमने जिक्र किया। ठीक है, क्वेश्चन हम हार्ड नहीं बनाए हैं, तुम लोग सॉफ्ट हो, ठीक है, इसलिए अपने आप को हार्ड सर दो बनाओ सर 3 पेज का तो पेपर था पहली बार। वरना। देखिए तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन, हमने कहा ये बता देंगे, प्रूफ कर लेंगे, और इसके पीछे एजम्पशन क्या है इसकी बात हम लोग कर लेंगे। अगर हम लोग कहें कि एयर ड्रग्स को हम लोग एयर फ्रिक्शन को, जिसे विस्कस फोर्स कहा जाता है, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं, तो हम कभी भी मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। तो
जब भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराते हैं हमेशा आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए ओनली, देयर इज नो, अगर फ्रिक्शन है, कोई फ्रिक्शन है आपका, एयर फ्रिक्शन हो जाए, चाहे आप सरफेस पे स्लाइड करा रहे हो, तो कभी भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते। हालांकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन 8th class 6th class से पढ़ते हम लोग ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, वो कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी है। आगे चल के आप 12th में ही आ जाओगे तो पढ़ोगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपका होल्ड नहीं करता है, दो चीजें, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी आप कराओगे जब न्यूक्लियाई पढ़ोगे आप, है ना, न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ोगे तो आगे चल के पढ़ोगे कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जैसे कि आइंस्टीन ने कहा था E=mc2, कोई भी मास m जो है अगर उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया जाए एनर्जी में, है ना, आज तो टेक्नोलॉजी मास को डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन आज भी कन्वर्ट किया जाता है, जो भी आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल्स है, है ना, जैसे कि आपका जो भी हम न्यूक्लियर एनर्जी गेन करते हैं यूरेनियम बर्न करके, जो भी हम बिजली ये सब लेते हैं या हमें सप्लाई करी जाती है, ये अलग अलग सोर्सेस से है, थर्मल सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड मिल के द्वारा है, सोलर एनर्जी है, और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का ही कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी होती है वो क्या होता है, उसमें जो यूरेनियम होता है उस मास को कन्वर्ट किया जाता है, है ना, मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, इसका मतलब न तो वहां एनर्जी आपकी कंजर्व्ड है न तो मास कंजर्व्ड है, वहां पे हम लोग लगाते हैं मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, तो ध्यान रहे। खैर, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन अल्टीमेट है, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन क्या पढ़ते हैं, जब मास सेम रहता है, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सब पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, कुछ लोग कंफ्यूजन रहता है। खैर, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि इसकी डेरिवेशन कराए तो डेरिवेशन तो नहीं कराने वाले वापस, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था हमने, और ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड था ये क्वेश्चन। अब देखो, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि अगर यहां पे क्या क्या पूछा गया आपको, कि द डायग्राम बिलो स्काई जंप है, कोई बच्चा है ए से स्लाइड कर रहा है, एक तरह से आप स्केट कह सकते हो, है ना, तो वो क्या करेगा, ए से जब स्लाइड करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप क्या क्या बातें करोगे, पहली बात करोगे आप रिफरेंस की। देखिए, आगे चल के आप जब भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कंपटीशन क्वेश्चन करेंगे, कंपटीशन मतलब जो भी आपके प्रोडक्टिव है, आपके ठीक है करियर के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम, है ना, तो वो क्या हो गया आपका, वहां पे आप जब भी काम करोगे तो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, वहां पे रेफरेंस लिया जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कि कहां जीरो है, क्योंकि आप हमेशा चेंज कैलकुलेट करते हो, इसका मतलब इनिशियल क्या था आपको मानना पड़ेगा ना, इनिशियल हम जीरो मान लेंगे, ये हमने मान लिया ये रेफरेंस है, दैट इज द रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं यहां पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पीई, ये जीरो पीई लाइन है। अब इसके ऊपर जो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसके नीचे अगर होता तो नेगेटिव पोटेंशियल होता। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे अलग अलग लेबल्स हैं, एक लेबल हो गया हमारा बी वाला, ये 15 मीटर ऊपर है, दूसरा लेबल हमारा हो गया ए वाला, जब ए पे ऑब्जेक्ट था या वो जो भी बच्चा स्लाइड कर रहा है ना, वो ए पे था, तो इसका मतलब ये दोनों हाइट अलग अलग है। अगर इसकी बात करी जाए, ये हाइट आपका क्या है h, ये हमने मान लिया कि ये आपका एच बी है ना, b वाले पॉइंट का हाइट है, और ये वाला हाइट क्या है आपका रिफरेंस लाइन से जो जीरो पीई है उसे हाइट एच बी। अब हमें पहले पार्ट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना, यहां पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, एच हाइट फ्रॉम द रिफरेंस लाइन, मतलब जीरो पोटेंशियल। खैर, तो हमें चेंज निकालना है, अपने मुद्दे पे आते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए से चलता है और बी पे आता है, मतलब फाइनली वो कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा, बी पे ऑब्जर्व किया जाएगा, और इनिशियली कहाँ ऑब्जर्व किया गया था,
ए पे ऑब्जर्व किया गया था। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बी पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है। अब ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग रख देते हैं, तो मास एम बदल नहीं रहा है, वही ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी बदल नहीं रही है ना, सेम प्लेनेट पे, हाइट बदल रही है, एच बी हो गई, और पहले क्या हुआ करती थी, एम जी एच ए हुआ करती थी हाइट ए। एम जी कॉमन कर लेते हैं हम लोग, एम और जी कॉमन कर लेते हो आप, तो एच बी माइनस क्या हो गया आपका, एच ए हो गया। अब एच एम तो दे रखा है आपको 60 किलोग्राम फोर्स है, और मास अगर हम सोचे तो 60 किलोग्राम होगा वो, है ना, तो मास 60 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, एच बी बी का हाइट कितना दे रखा है 15 मीटर फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ए का हाइट 75 मीटर। तो आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये ले दे के 60 आ गया, माइनस का आएगा माइनस 60 इंटू 10 इंटू 60 एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 36 एंड 000 इतना, और सब कुछ एसआई में था, ये जूल होगा। या निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो ये कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, है ना, लेकिन पूरी कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, ये फ्रिक्शन है कि नहीं है इस पे बात डिपेंड करेगी, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में आंसर, ये पहले पार्ट का आंसर था आपका, ए पार्ट आप कह सकते हो, है ना, ये ए पार्ट का आंसर था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग मूव करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट एवर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन पार्ट ए, इसका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ है 75% से, 25% कहा गया फ्रिक्शन खा गया होगा, नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, अगर हम वहां दिमाग लगाते हैं तो, अगर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मान लो कि ये फ्रिक्शन लेस होता है, ए बी जो ट्रैक है ये फ्रिक्शन लेस होता, तो हम कहते कि अगर ए बी ट्रैक फ्रिक्शन लेस है तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ 75% अवेलेबल है मैकेनिकल एनर्जी एट बी, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। खैर जो क्वेश्चन कह रहा है क्यों नहीं कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जरूर होगा, 75% सिर्फ बचा है, 25% कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। खैर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी पार्ट के लिए अगर हम लोग जाए बी पार्ट के लिए, तो हम कहेंगे जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हेलो सर, सर हेलो हेलो सर हेलो अच्छा आवाज आ रही है सर, आ रही है मगर वीडियो फ्यूज हो गया है, आवाज आ रही है, लाइट चली गई अभी तो देखिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है, या 75% कहा गया, सॉरी 75% ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा यू का आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, है ना, अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हो, जो भी डिक्रीज कर रहा है उसके इक्वल होगा, है ना, ये माइनस टाइम्स रिलेशन होता है, जो एक्चुअल रिलेशन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू होता है, लेकिन ये तब होता है जब मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या हो, कंजर्व्ड हो, है ना, तब ये कहते हैं, लेकिन यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो ये आप नोट कर सकते हो, ये चीज ये तब अप्लाई करते हैं
जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू, दैट मीन्स वट एवर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसका निगेटिव टाइम्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। खैर, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो दैट इज 75% 75/100 और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने पास तो है ही है 36, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और शुरू में तो उसका कोई वेलोसिटी था ही नहीं, तो जीरो का स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया, 1/2 मास 60 है और वी स्क्वायर इक्वल टू ये 25, ठीक है, 3 हो गया और 25 4 हो गया, ठीक है। यहां से हो गया आपका 3 × 36000/4 है। अब देखिए 2 30 हो गया, और इस 30 को कैंसिल किया जाए तो 1 0 खत्म और ये 3 खत्म, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 4 1 और 4 9 00, तो ले देके 900 आ गया है ना, 900। तो v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 900, दैट कम्स आउट टू बी 30 m/s। इसका मतलब जो भी स्काई है ना, क्या है, स्कायर है, उसकी जो स्पीड है एट बी वो कितनी होगी, 30 m/s, दैट इज होल पार्ट ऑफ द फिजिक्स। ये फिजिक्स हो गया। अब केमिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, बायो आती तो कितना अच्छा होता, पूरा पेपर डिस्कस कर लेते। देखो, राइट डाउन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन सा, कार्बन 12 नॉर्मल होता है ना, कार्बन 13 है ना, इसका भी परसेंटेज कम होता है, और कार्बन 14 रेयर होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये आप एज ए जीके की तरह याद रख सकते हो, कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। तो ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऊपर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, ठीक। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल डबली आयोनाइज हीलियम एटम होता है, He2+ लिखोगे है ना, या ++ लिख दोगे है ना, या कोई ये ना लिखे, कोई अगर He++ लिखते तब भी चलेगा, ये अल्फा पार्टिकल है ना। हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बचता नहीं है, क्या बचेगा, जो भी रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। खैर, इस पे नंबर आपको एक मास तुरंत मिल जाएगा, आप ये लिखे चाहे लिखे। खैर, राइट डाउन द राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ठीक है, आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। अब देखिए, जो ये बहुत बेसिक है, आप जानते हो कि कोई भी एलिमेंट जिसका सिंबल एक्स है, एटॉमिक नंबर नीचे जेड से दिखाते हैं, मास नंबर ए से दिखाते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो जेड के इक्वल होते हैं, पहली बात। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि यही दोनों मेंबर न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस जेड करेंगे, ये 3 बातें आपके पास है, है ना, देख लीजिए। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक। अब मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही है, दोनों न्यूक्लियॉन्स है और मास जो है न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट सही है। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, गलत है, ठीक है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ये तो सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, एटॉमिक कहा गया, ये सही है। तो दूसरा और चौथा सही हो गया, कौन से ऑप्शन में सही है, डी ऑप्शन सही है, तो डी पार्ट इज करेक्ट। अब आते हैं हम लोग असर्शन रीजन पे, ठीक है, कुछ ढक तो नहीं रहा, ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टिकल पी रिपेल बाय न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो पार्टिकल पी है ये आया, अगर अट्रैक्ट होता तो न्यूक्लियस की तरफ आता, लेकिन ये न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हो गया, अवे गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये रिपल्सन फेज कर रहा है ना, ये रिपेल हो रहा है, ठीक। अच्छा, पहला तो एज ए असर्शन ये ट्रू है, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रू कह दिए।
न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, हाँ न्यूक्लियस में दो ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक न्यूट्रल जो न्यूट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ये भी सही है। लेकिन असर्शन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज पार्टिकल पी रिपेल बाई, बिल्कुल गलत है ना, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी पार्ट इज करेक्ट, दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको देखिए, तो आप जानते हो कि अंदर वाला आपका के सेल हो जाएगा, है ना, दूसरा एल सेल हो जाएगा और तीसरा एम सेल हो जाएगा। अब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एल में कितने दिख रहे हैं, एम में कितने दिख रहे हैं, के सेल में हमको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना, एक हो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके सिवा कोई नहीं है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस एटम में वो 11 है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। आइडेंटिफाई हो गया एलिमेंट सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 आता है। ठीक है, एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गया सोडियम Na, हम आंसर लिख देंगे। राइट डाउन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं हम लोग मास नंबर माइनस जेड, मतलब मास नंबर 23 हो गया और जेड 11 हो गया, आपका 12 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। खत्म हो गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो जितना आपको फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन या दो टाइम लगा है, हमें नहीं लगता कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम देने वाला था, 5 मिनट 10 मिनट आसानी था, ज्यादा कुछ खास नहीं था क्वेश्चन। केमिस्ट्री सर सही था।